तो वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द माइनक्राफ्ट। आज हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने नीदर पोर्टल बनाया, और इस वीडियो में मैंने सोचा था कि मैं नीदर पोर्टल में जाऊंगा, लेकिन मुझे एक शिप, मैं ऐसे ही घूम रहा था, मुझे एक समुद्र मिला। भाई पिछली बार मैंने मतलब अपना कासल खो दिया था, और फिर मतलब कास मैंने थोड़ी फ़िशिंग की वहीं पर, और कासल फिर ढूंढने का मुझे यूट्यूब पे देखा कैसे ढूंढें, तो उन्होंने बताया कि कंपस एक तरीका। मैंने कंपस से ही किया, कंपस मैंने वहीं पे भाई आयरन ओर ढूंढा, कंपस बनाया, और फिर भाई मेरे को मतलब टेलीपोर्ट, वो कंपस भी ठीक से काम नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों। फिर मैंने एक प्लान लगाया कि जहाँ तक मुझे पता था, हम लोग अपना अगर कोऑर्डिनेट्स जान ले पोजीशन, तो हम लोग जब बता सकते हैं। मेरे को कोऑर्डिनेट्स याद नहीं थे, लेकिन किस्मत से मैंने जो यूट्यूब वीडियोस अपलोड किए थे उसी में मुझे मेरे कोऑर्डिनेट्स दिख गए। मैंने बस वहीं से डायरेक्ट मारा, टेलीपोर्ट हो गया मैं। और फिर वैसे ही मैंने जब नया मतलब ऐसे ही घूम रहा था वापस उधर फिशिंग करते दौरान, मुझे एक शिपव्रेक मिला। शिपव्रेक में भाई मुझे कदई तबाही चीज़ें मिली। तो पहले तो ये थर्ड पर्सन व्यू हटाओ यार, दिमाग ख़राब कर रहा है। कहाँ गया वीडियो? वीडियो अगर भाई साहब, हमने कमेंट्स अपनी ऑन कर दी है सारे वीडियोस में। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे एक मोड लेने का सोच रहा हूँ, पोकेमॉन मोड, अगर आप लोग चाहते हैं कि माइनक्राफ्ट सीरीज़ बंद करके मैं पोकेमॉन मोड, पिक्सलेमॉन सीरीज़ ऑन कर दूँ, तो आप लोग देखिए भाई साहब, स्केलेटन स्केलेटन के अंदर से आ गया। इसका तो मैं भूत बना दूंगा मार मार के। रुक वे रुक, टॉर्चेस नहीं है शायद इसलिए। और एक और बात बताना भूल गया, मैंने अपना इधर रेलवे स्टेशन बना लिया है भाई। बहुत मेहनत लगी थी इसलिए इतना वीडियोस लेट आ रहे हैं, बहुत मेहनत लगी थी बनाने में, इसलिए भाई साहब आप लोग नाराज़ ना हो जाए। ओ भाई स्केलेटन की तो भाई क्रीपर भी है इधर। रुक भाई, फिलहाल तो आप लोग हम निपटाने दो इसको, तब हम संभालेंगे। भाई आप लोग देख सकते हैं क्रीपर के बच्चे ने मेरा नास पीट दिया। भाई साहब आप लोग देख सकते हैं कि क्रीपर के बच्चे ने मेरा नास पीट दिया मेरे कासल का। की करूं, खाना खाना पड़ेगा फिलहाल तो। मैंने वीट फार्म भी अपना बना लिया है, आपको देख दिखा दूंगा आपको। पहले आज का मैं पूरा कासल एक्सप्लोर कराऊंगा। भाई पेट भर गई। भाई इधर से गिरा ये क्रीपर का बच्चा फट जाए, इससे पहले मैं ये क्लोज़ कर देता हूँ। मुझे बड़ा डर लग रहा है क्योंकि क्रीपर के बच्चे ने देखो मेरा ये, भाई ये एरिया मैंने अपने टाउन हॉल के लिए बनाया हुआ है, जहाँ पे अब मैं विलेजर्स लाने की सोच रहा हूँ। ये एरिया पे मतलब मॉब स्पॉन हो गए थे। भाई ये रहा अपना फैंटास्टिक रेलवे स्टेशन। आप लोग बोलेंगे रेलवे स्टेशन कम कबाड़ खाना ज़्यादा लग रहा है, लेकिन भाई लोग क्या कर सकते हैं, यही है फ़िलहाल तो। ये मैंने अपडेट किया है नया, और फिर ज़्यादा कुछ, ये ग्लासेस मेरे को भाई बहुत मेहनत लगी थी बनाने में। और फिर ये रहा बेड मैंने नया लगाया, फिर ये कैरेट फार्म बनाया, और फिर कैरेट फार्म के बाद जो है एक कैरेट खानी पड़ेगी मेरे को। कहाँ गई अपनी कैरेट? तो ये ठूस लो। और फिर इधर है अपना वीट फार्म। और भाई एक चीज़ मेन चीज़ दिखाना ही भूल गया आप लोगों को, अभी हम लोग माइनकार्ट की सवारी भी करेंगे रेलवे स्टेशन में। भाई देख सकते हो मैंने भेड़े बहुत सारी ले आई हैं, और ये रही अपने मतलब खरगोश भी मिल गए थे अच्छे खासे, खरगोश भी ले आया था भाई। लेकिन सच में ये दिमाग ख़राब कर रहे हैं। तो आज तो मैं आज भाई हाँ, जहाँ तक मैं बता रहा था, मेरे को एक ट्रेजर मैप मिला था, एक ट्रेजर मैप। और उस ट्रेजर मैप को ढूंढने के लिए मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ये राइट लेफ़्ट हैंड बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। शील्ड को रखने दो पहले, शील्ड बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। रुको ये शील्ड बहुत दिमाग ख़राब कर रहा है। हटाओ इधर शील्ड, शील्ड को गोली मारो इधर से, हटाओ। हाँ फिलहाल अभी रिसोर्सेस हमें चाहिए होंगे थोड़े एक्सेस, थोड़े पिक एक्सेस, जगह तो ऑलमोस्ट खाली ही रहनी चाहिए। एक माइन कार्ट चाहिए होगी आपको दिखाने के लिए, और साथ इच साथ एक लीश चाहिए होगा कोई जानवर ढंग का मिल गया तो। और मुझे सबसे ज़रूरी चाहिए फूड, बहुत सारे चाहिए फूड के साथ साथ। हाँ मे भी अभी हमें एक हॉर्स टेम करना पड़ सकता है, क्योंकि अपन के पास मतलब बहुत दूर जाना पड़ेगा, तो हॉर्स कैरेट भी अच्छे खासे हैं। तो मैं लेने क्या आया था भूल गया, हाँ स्वॉर्ड चाहिए, दो को स्वॉर्ड काफ़ी है भाई। तो जहाँ तक मैप का ख्याल है हमें बहुत दूर जाना पड़ेगा भाई साहब, वो भी नदी भी है बीच बीच में। आई थिंक आई शुड मेक अ सैडल एंड टेम अ हॉर्स। तो फिर सैडल बनाने के लिए क्या चाहिए देखना पड़ेगा। सैडल भाई ये किधर है ये सैडल? सैडल सडल क्या कहते हैं उसको, स्पेलिंग गलत है क्या? रुको इधर ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, कहाँ जाएगा उड़कर। ओ क्राफ्टिंग टेबल मैंने क्लिक नहीं किया शायद इसलिए।
साडल का बच्चा है किधर? साडल मेरे चाचा, मेरे मौसा, मेरे नाना, मेरे फूफा। सा भाई, ये साडल कहाँ है? मेरा दिमाग खराब कर रहा है। ये साडल नहीं है क्या? किधर है भाई साडल? बोट मिल गई, साडल मांगता अपन को। भाई लोग अभी थोड़ा पंगा हो रहा है, मुझे साडल ढूंढने दो, फिर मैं आपको वीडियो ऑन करता हूँ। तो भाई लोग अब वो पंगा समझ में आया कि हमें वो कासल साडल बना नहीं सकते, हमें उसे लाना पड़ेगा कहीं से। तो मैं तो लाने से रहा सोच, तो मेरे पास जहाँ तक मुझे याद है मुझे कहीं पर एक साडल मिली तो थी, नीचे में ही कहीं पर थी, यहीं कहीं थी साडल। हाँ देखो भाई, ये रही एक साडल। तो अब मुझे आर्मर भी बनाना है हॉर्स के, और फिर हॉर्स के रहने का ठिकाना भी। अब हॉर्स को तो मैं इधर उधर तो रखूँगा नहीं, लेदर चाहिए होगी। मेरे पास एक ही लेदर है, बहुत सारी लेदर पड़ी हुई थी मेरे पास। दो लेदर इधर हैं, और लेदर होगी, इतने लेदर नहीं, और लेदर थी मेरे पास, मे बी ऊपर में होगी। इतने लेदर से कुछ होगा नहीं, एक चार लेदर मिल गई। और हॉर्स आर्मर, क्योंकि आयरन तो है नहीं मेरे पास जो मैं आयरन आर्मर बना सकूं। 7 आयरन इंगेट्स हैं, बनेंगे तो ट्राई करेंगे। और लेदर नहीं है मेरे पास भाई, चार ही लेदर है। अपनी गायें कब काम आएगी? गायें है ना, चलो भाई थोड़ी गायों को मार दिया जाए, गायें बहुत जी लिए आज। देखते हैं किसकी मौत आई है। चूहार, तेरी मौत आई है, हट। दे देख, मुझे तेरा लेदर चाहिए, हट। फ्लैश नहीं, मुझे लेदर चाहिए। घुसू कहाँ से बे? ये रहा दरवाज़ा। कितने लेदर मिले मेरे को? अरे बंद कर इसको, माथा कर। अरे बंद कर, भाग जाएंगे ये रैबिट के बच्चे। दो गायें रहनी पड़ेंगी मीटिंग करने के लिए, आई मीन व्हाट है व्हाट वी से। भाई चार लेदर है, चार लेदर में कुछ नहीं होगा। देखते हैं आयरन इंगेट से बनेंगे, नहीं होगा तो अपन लोग जाएंगे माइनिंग करने। देखते हैं होता है कुछ इंतज़ाम क्या। हॉर्स आर्मर बनेगा, देखते हैं हॉर्स आर्मर के लिए कितना आयरन चाहिए। भाई मन कर रहा है मेरा डायमंड निकालने का। हॉर्स आर्मर के लिए कितने चाहिए? लेदर नहीं, कहाँ गया वो HOR? लेदर से भाई आई डोंट थिंक आयरन से बनेगा, तो अपन लोग चलते हैं माइनिंग करने। तो भाई ऐसे क्यों जा रहे हैं? अपन का शाही रेलवे स्टेशन है ना। यस भाई लोग, अपन जाएंगे अपन फर्स्ट टाइम ऑन रेलवे स्टेशन, डू गोइंग फॉर माइनिंग। देखते हैं कितने डायमंड मिलते हैं इस बार। मैं माइनिंग, ओ भाई मैंने सेटिंग्स क्यों खोली, क्या सोच के खोली समझ में नहीं आ रहा। हाँ मेरा वो कार्ट किधर है? ट्रेजर मैप खोजने जाएंगे आज हम लोग। ये यहाँ लगा देते, क्योंकि अगर ये उधर राइड कर लेते हैं और फिर ये आगे बढ़ा देते हैं। भाई साहब ये चली हमारी तूफानी सवारी इतनी स्पीड में। अपन लोग ऐसे जाने में बहुत टाइम लगता था फ्रेंड्स, जाओ और आओ। भाई आज फिर मैं भूल गया बकेट लाने, लेकिन आज उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अपन लोग सिर्फ आयरन ढूंढेंगे। तो देखते हैं, देखो फ्रेंड्स इंजॉय करिए राइड। कुप्पी ऊपर का वो टूटा हुआ था क्या? मैंने गौर नहीं किया। इतना कंफ्यूजिंग है ना यहाँ पर, क्योंकि जब तक 4-5 बार आऊँगा जाऊँगा नहीं, तब तक मुझे भी समझ में नहीं आएगा कि मैं गया कैसे वहाँ सीढ़ियों पर। क्लम्सी वे, वाह वाह रे वाह, इतना लंबा भाई चक्कर आ जाएंगे मेरे को सच में। ओरिजिनल लाइफ में तो मैं उल्टी कर देता, इतने घूमा घूमने घूमने। अब इधर अपन लोग लावा के पास पहुँचने वाले हैं, मैंने लावा के पास स्टॉपेज लगा दिया जिससे ये अपने आप रुक जाएगा। हाँ कहा था, चलो आज अपन लोग माइनिंग करते हैं, तो इधर माइनिंग करेंगे अपन लोग। अरे भाई रेड स्टोन, रेड स्टोन है, तोड़ना बनता है भाई। चलो इस ऑब्सीडियन के लिए मैं डायमंड पिकेक्स नहीं लाया यार। ओ भाई डायमंड, भाई साहब डायमंड, भाई सॉलिड है भाई, डायमंड की तो तबाही है इधर, जितने खोदो उतने डायमंड। अनबिलीवेबल यार, इतने डायमंड कहीं पे नहीं मिले होंगे माइनक्राफ्ट वालों को, क्या कर दिया है भाई। आप लोग कहोगे कि मैंने रखे हैं डायमंड, लेकिन सच में मैंने ही रखे हैं इतने सारे डायमंड्स। भाई इतनी औकात नहीं है मेरी और कि इतने सारे डायमंड और मैं रख सकूं। हाँ भाई, भाई नीचे तो पूरा मतलब, तोड़ो भाई, भाई इतने डायमंड में तो मैं जहन्नुम पहुंच जाऊंगा।
हटो। और भाई इधर और डायमंड्स है, सॉलिड है भाई। इतने डायमंड्स में तो मैं पूरा डायमंड आर्मर बनाऊंगा अपना। सॉलिड है, कुछ भी लिक्विड में नहीं है भाई, सब सॉलिड है। क्या किस्मत पाई है भाई, टेक्नो गेमर से भी अच्छी किस्मत है अपन की। इतने डायमंड्स भाई रियल लाइफ में नहीं मिले। देखो एक और डायमंड, आयरन भी पड़ा हुआ है इधर, आयरन और भी है, ले लेते हैं। मेरे को इतने डायमंड लेके मरने का तो कोई शौक है नहीं। कितने डायमंड्स हुए, 29 डायमंड्स भाई। एक डायमंड और हो जाता 30 पूछ जाता। और अब मैं माइन करूँगा। इतने सारे टॉर्चेस मैंने लगाए थे इधर, बहुत मॉब स्पॉन हो रहे थे तो गुस्सा से लगा दिए थे। अब थोड़े कॉबल स्टोन्स भी चाहिए होंगे तो तोड़ना शुरू करते हैं। भाई एंडरमैन है इधर, भाई एंडरमैन है किधर, कोई एंडरमैन। भागने में भी अभी कोई डर नहीं लगेगा क्योंकि अपन ने तो फिलहाल तो बहुत किया है। भाई इमराल्ड हो रहे ना भाई, मैं माथा टेकूंगा अपने। इतने इमरल्ड ओर भाई, साहब कैसे मिल रहे हैं इतने इमरल्ड ओर भाई? इतने इमरल्ड ओर तो मैंने पूरे लाइफ में नहीं देखे। इतने इमरल्ड ओर भाई, एमरल्ड ओर की तो पहाड़ है। ओ भाई साहब, ऊपर में आयरन भी है कि डायमंड है, जो है निकालो भाई एमरल्ड ओर। भाई मैं सच बोल रहा हूँ, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ भाई। भाई आप लोग कहो कि मैंने, ओ भाई फिर यहाँ डार्क है, यहाँ मॉब स्पॉन हो सकते हैं। और भी एमरल्ड ओर हैं, क्या करें। ओ भाई आ भी गया मॉब। अबे तू इधर क्या कर रहा है, निकल 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 कर, मेरे माइन कार्ट में जाएगा। हट जा, पीछे जा, तू मेरे माइन कार्ट में घूमेगा है, इसकी इतनी हिम्मत, तू जिंदा नहीं बचेगा अगर किया दोबारा तो। एंडरमैन उधर है सारे। ओ भाई ब्लॉक कर इसको भाई, ब्लॉक कर, छोड़ो ब्लॉक करने का, गोली मारो। इधर से खोदना शुरू करते हैं। मेरा मन कर रहा है, मैं अभी एक और है, आई डोंट थिंक अब होगा, देखते हैं। भाई तो नहीं है और इधर। अब इससे पहले कि एंडरमैन मेरा मार मार के भूत बना दे, मुझे जो जो चीज़ें चाहिए थी, अब तो मैं डायमंड का हॉर्स आर्मर बनाऊंगा, सैडल भी पड़ी हुई है। चलते हैं एकदम फुल स्पीड में। ये मैंने मतलब समवॉट इसी के लिए बनाई थी कि मैं इसे जल्दी से जल्दी भग सकूं, इससे जल्दी से जल्दी इधर से भग सकूं, क्योंकि निकलने में भाई 4 साल लगते थे मेरे को। पहले इधर से निकलो, उधर से निकलो, अब रास्ता भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तो अब तो अपने आप ही पहुंच जाते हैं। और तो फिर इधर जो है, अरे भाई, अरे भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, कहाँ पे हूँ मैं? यहाँ पे मुझे लगा कोई रास्ता टूटा हुआ है, लेकिन नहीं, शायद वो फिक्स था। रास्ता टूटा तो ये माइनकार्ट रुक जाती। और तेज़ कर सकता हूँ कैसे मैं, और कैसे मैं इसे तेज कर सकता हूँ? इतने तेज़ी तो वैसे काफ़ी है। अब मुझे हॉर्स टेम करना है। और आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि और क्या क्या मैं बना सकता हूँ, और मतलब मुझे और लोकेशन जानना है। ये माइनकार्ट यहीं रहने दो कि और मैं क्या कहाँ कहाँ जाऊँ। मैं आप लोगों को एक, मैंने एक ट्रिक वीडियो बनाई थी अनलिमिटेड डायमंड वाली, वो ज़रूर देखना भाई, वो अच्छी खासी वीडियो है, वो मेरे दोस्त ने बनाई थी। अभी मैं आपको एक चेस बैटल भी थोड़े दिन में मतलब पहले डाली थी, इससे पहले मैं चेस बैटल ही डाला था। तो हो सकता है भाई दो, अभी मेरे को इसको खिलाना पड़ेगा तभी ब्रीडिंग होगी। नहीं है भाई, दो आयरन हो रहा है भाई। सबसे पहले तो मैं डायमंड का वो बनाऊंगा, डायमंड आर्मर्स। हटाओ इसको भाई, हॉर्स आर्मर बनाने के लिए अब डायमंड के कितने चाहिए? और भाई बताओ मैं क्या करूं, बताओ। आर्मर में मैं ही सारे बना सकता हूँ, हॉर्स आर्मर में सिर्फ लेदर का बना सकता हूँ, क्यों? HOR भाई, डायमंड हॉर्स आर्मर बनाने हैं मेरे को। छोड़ो डायमंड हॉर्स का नहीं तो अपना, भाई अपना, अपन लोग सही सलामत आ गए थे तो एक आयरन नहीं, एक ये हेलमेट, एक लेगिंग्स। और भाई अब हेलमेट लेगिंग्स पहन लेते हैं। लेगिंग्स होगी इधर लेगिंग्स। अब बूट्स भी चाहिए, बूट्स तो एक बना ही लेते हैं, डायमंड बूट्स। या भाई ये क्या हो रहा है भाई, ये डायमंड
ओ भाई इधर से मैं भूल गया था किधर से इक्विप करना है, बौखला गया हूँ ना। कॉबलस्टोन्स भी अच्छे खासे, एक डायमंड बची है मात्र में, एक डायमंड में मैं अपनी कुछ नहीं बना सकता, एक डायमंड में कुछ नहीं बना सकता। अगली बार जाएंगे माइनिंग करने तो भाई आर्मर को मारो गोली, आर्मर को मारो गोली, मारो गोली आर्मर को। नहीं भाई एक डायमंड बची होती तो ये ब्लॉक क्यों दिखाता, अच्छी खासे डायमंड बचे होंगे, चार डायमंड बचे हुए हैं भाई, ब्लॉक क्यों बना दिया मैंने, ब्लॉक ऑफ आयरन। एक काम करते हैं डायमंड ब्लॉक का मैं करूँगा क्या, हाँ एक डायमंड पिकेक्स और डायमंड स्वॉर्ड बना लेते हैं भले ही। डी आई ए स्वॉर्ड के लिए स्टिक चाहिए, स्टिक के लिए वुड, वुड है मेरे अपन के पास, निकालो इसे, क्राफ्टिंग टेबल नहीं वुड है। ये क्या है जक्कल जकाल, क्या बॉक्स है, आइटम फ्रेम गोली मारो, ये ले लो, ये बनाएंगे अभी डायमंड ब्लॉक से, एक ब्लॉक से नौ डायमंड भाई, डायमंड ब्लॉक से डायमंड निकाल लिया अपन ने। एक सेकंड पहले हॉर्स लेदर आर्मर में कितने लगेंगे पहले मुझे वो देखने दो भाई, क्योंकि मेरे को अभी मैंने सोच लिया कि मैं हॉर्स आर्मर ही, हॉर्स का लेदर आर्मर ही बनाऊंगा। कितने चाहिए, एक दो तीन, भाई मेरे को ग्रिड पता है तो मेरे पास डायमंड्स भी हैं, अब मैं वैसा बना सकता हूँ, निकालने दो यार फिलहाल तो ये, अब मैं हॉर्स लाइडर बना सकता हूँ। भाई डायमंड आर्मर बन क्यों नहीं रहा है हॉर्स आर्मर, भाई क्या पंगा है ये, भाई पॉज कर रहा हूँ वीडियो, ये पागल कर देगा मेरे को। तो भाई लोग देख सकते हैं अपन ने डायमंड आर्मर आखिर बना ही लिया, तो अपन को अभी हॉर्स टेम करना तो ये आज नहीं करेंगे क्योंकि बहुत दिन, तो अपने के लिए घर भी बनाना पड़ेगा एक हॉर्स के लिए, क्योंकि बिना अस्तबल ये घर के तो वो रहेगा नहीं, और यहाँ अपने इस जंगल मेले में तो जगह है नहीं, क्या करें। तो फिर अपने इस जंगल मेले में तो है नहीं, टेम्प्ररी का घर बनाने के लिए कॉबलस्टोन है मैं अपन के पास, हॉर्सेस के लिए जो है नई जगह ही बनाएंगे अपन लोग, तो आज के लिए उसे लीश कर देंगे ऊपर में, उसके लिए फेंसेस भी हैं, लीश भी है अपन के पास, लीश है, हाँ लीश भी है, कंपस तो चाहिए ही होगा भाई। तो भाई लोग चलते हैं पहले उस गेंडे यानी आई मीन हॉर्स को टेम करने, उसे लीश से ऊपर ले आकर बांधेंगे। उससे पहले ज़रा इस नंगे आर्मर को ज़रा कपड़े पहना ले, एक आर्मर पता नहीं क्रीपर ने फोड़ दिया था एक बार, घर पूरा मेरा पूरा आर्मर का आर्मर चला गया एक्विप। भाई तू बूट्स भी पहन ले, तू नंगा लग रहा है, हेलमेट भी पहन ले एक्विप, अब रियल लग रहा है अपना रियल बंदा, बस एक बलून लगा दो भाई। तो चलते हैं अपन लोग भाई, सीधा जंप मारते हैं पानी में, पहले तो इधर बहुत घोड़े मिलते थे, अब देखते हैं जब काम है तब घोड़े मिलते नहीं हैं, ढूंढते हैं घोड़े को। पहले अपना कंपास देख लेते हैं अभी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है कंपास, हाँ चलो भाई अभी इतने इतने रेंज से काम करता है पता नहीं। अब हम अगर हम लोग सच बताएं तो इस पर भी बैठ सकते हैं पिग्स पर, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में बैठ सकते हैं, लेकिन मैंने मार दिया क्योंकि मुझे बैठना नहीं है, सुअर पर बैठ के एकदम सुअर लगूँगा। ये गया भाई, एक घोड़ा, लेकिन वो घोड़ा मुझे बदसूरत टाइप का लग रहा है, क्या करें, और कोई घोड़ा मिलता है तो ठीक है, नहीं तो उसी घोड़े पे चलेंगे। बहुत रातों से मैं सोया नहीं हूँ, आज रात को फैंटम्स का हमला, नहीं पिछली रात ही तो सोया था। ये एक घोड़ा है भाई, और कोई घोड़े मिल जाओ, ये घोड़ा नहीं चाहिए, अपनी थोड़ी मतलब इज्जत है भाई, अपनी भी थोड़ी इज्जत है, इस घोड़े को आर्मर पहनाऊंगे तो अपन लोग गधे दिखेंगे। चलो भाई इधर तो नहीं है घोड़ा, क्या करें भाई दूर से, लेकिन मेरा घर गजब लग रहा है, दैट वी से इन दी, मैं तो इसे अपना का इसका नाम भी रखूँगा, कोई स्पेसिफिक नेम भाई आप लोग कमेंट्स में बताना नाम क्या रखना चाहिए, कोई स्पेसिफिक कूल टाइप का नेम बताना भाई, नुबड़ा वाला नेम मत बताना, समझे भाई लोग। भाई इधर मुझे इधर का कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार क्या होता है इधर मॉब स्पॉन हो जाते हैं और यहीं पर रह जाते हैं ये अपना ये शेल्टर के बीच में, दूर से तो लग रहा है कि मैंने
क्या बना दिया भाई। भेड़ नहीं चाहिए यार, वो हॉर्स कहाँ गया? ओए हॉर्स की आवाज़ है, हॉर्स की आवाज़ आई, कहाँ पे हॉर्स? अभी ये हॉर्स किधर है? अभी इतनी देर से मैं हॉर्स ढूंढ रहा हूँ, क्या करूँ भाई, कहाँ पे है? कोई घोड़ा ही नहीं है, गधे पे बैठ के जाऊँगा मैं। रुको भाग के देखते हैं। घोड़े महाराज, ओ घोड़े महाराज, आप कहाँ पर हैं? आपके दर्शन किस दिन होंगे? अरे हाँ याद आया, विलेजर्स के पास तो घोड़े होंगे ही ऑटोमेटिकली, तो अब इस घोड़े को आज़ाद करने का वक्त आ गया है। माउंट, ये बस मुझसे प्यार करने लगे। देखो हो गया इसे अब मुझसे प्यार। भाई भाई ये तो गिर गया, रुको। हाँ अब इसे मतलब साडल डाल देनी होगी, दे दिया। आर्मर तो मैं इसे दूंगा, डायमंड वाले, एकदम अच्छा सा हीरो लग रहा है अपना वाला। तो फिर इसे भाई भागते हैं, सॉलिड है। हॉर्स की भी फूड है, हॉर्स को भी खिलाना पड़ेगा आई थिंक, हे वगैरह। गाजर खाएगा? पूछते हैं इससे, ये गाजर खाएगा क्या? आई डोंट थिंक ये गाजर खाता है, अपनी तरह रईस ज़्यादा, रईस ज़्यादा, ये थोड़ा ज़्यादा ही, कुछ ज़्यादा ही रईस ज़्यादा ही है। तो इसके लिए, ओ भाई मैं तो गिर गया। तो अब क्या करें, ट्रेजर मैप ढूंढते हैं, अपना ट्रेजर मैप इधर लेते हैं, ट्रेजर मैप इधर है। तो अपन लोग को किधर जाना है? इस डायरेक्शन में बढ़ते ही रहना है। चल मेरे घोड़े, सही बोला, चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े, टिक 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 टिक। भाई घोड़े की एचपी भी ना जाए बस, मुझे तो डर। ओ भाई पानी में मत गिरियो भाई, तुरंत बचा है। कितने दूर हैं? ओ भाई बहुत दूर हैं अभी तो। कोऑर्डिनेट्स याद रखने चाहिए। तो भाई साहब मुझे जंगल भी पार करनी होगी, इससे बढ़िया तो मैं क्या कर लूँ। घोड़ा तो बड़ा तगड़ा है, घोड़ा नहीं है तो शेर है, सॉरी शेर नहीं है, शेर होता तो मैं वुल्फ। भाई मैं तो बता रहा हूँ माइनक्राफ्ट वालों को ना, ये तोड़ना पड़ेगा। रुको एक्स निकालो, अपनी एक्स ही नहीं है अपन के पास। एमराल्ड्स मैं क्यों लेके आ गया? गाजर से तोड़ने का तो मूड है नहीं मेरा। चलो पीछे से चलो, ट्रेजर मैप देख लेते हैं। अपन लोग गलत डायरेक्शन में बढ़ते रहे हैं, अब बस उस डायरेक्शन में बढ़ना है। तो चलते हैं, इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, बीच में। चलो भाई मेरे घोड़े साहब, चलते रहिए भाई। इतनी तेज़ अगर मैं पैदल आता हूँ तो अगले जन्म में पहुँचता। चलो मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। भाई इधर गिरता तो निकलना मुश्किल था। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। भाई गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसी डायरेक्शन में जाना है। अब मुझे घूम के जाने की शौक नहीं है, इधर तो अपन लोग आए थे। भाई गिरना नहीं है इधर से। एक देखो गधा है, कल डायरेक्शन में जा रहे हैं अपन लोग, इस डायरेक्शन में जाना है। यानी आई थिंक हम लोग को पहाड़ को क्रॉस करना पड़ेगा, पहाड़ के उस पार जाने के लिए। और आई थिंक ये पानी में सरवाइव कर पाएगा नहीं, क्या करें, चढ़ पाएगा ही नहीं ये इधर। तो अपन लोग के पास एक ही रास्ता है, घूम कर जाना पड़ेगा पूरे पहाड़ को। मन कर रहा उड़ के चलूँ, काश मेरे पास लाइट्रा होता। भाई इधर गिरा, सावधानी से, थोड़ा सावधानी से इधर गिरा तो हड्डियाँ भी नहीं बचेंगी। इससे बढ़िया तो मैं पैदल ही चला जाता पहाड़ के ऊपर से। ओ भाई अरे भाई साहब, मैं बचा, मैं बचा। अब मैं किधर से जाऊँ? इधर से चलते हैं। अबे यार ये पेड़ दिमाग ख़राब कर रहे हैं मेरा। चलो इधर से गिरते गिरते बचाऊँ। रुको भाई, कितनी भी ताकत लगा दो उस पार तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा।
अपन लोग सही डायरेक्शन में भी नहीं बढ़ रहे हैं, बहुत दूर है। अच्छा, हम लोग का मेन काम है उस पार पहुंचना, तो उस पार पहुंचने के लिए अब हम लोग इस डायरेक्शन में बढ़ते ही रहते हैं। कूद जाओ पानी में। हाँ चलो भाई, भाई राइड करनी है अपन को भाई। क्या मतलब अपन लोग राइड नहीं कर सकते क्या पानी के अंदर? चलो ऊपर चलो, ऊपर चलो घोड़े के बच्चे, ऊपर चल घोड़े के बच्चे, ऊपर चल। समझ में नहीं आता, ऊपर चल। टूट टूट जो भी है, किधर से जाऊं मैं? सही रास्ता मिल गया अपन को लोग को भाई, सही है। तो अपन लोग का मेन ऑब्जेक्टिव है भाई उस मैप तक पहुंचना। तो सिंपल रास्ता है, ऐसे ऐसे चलो अपन लोग पहुंच जाएंगे। चलो भाई, ये पहाड़ी रेंज मेरे को उस पार जाना है मतलब ना मेरे को। तो चलो भाई धीरे 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 आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। अबे लीश हट, किधर भागेगा? रुक घोड़े, इधर आ। तुझे पता है, तुझे इससे राइड करनी पड़ेगी, राइड। अच्छा कि घोड़ा छलांग मारता है। ओ भाई मैं किधर आ गया? मैं तो डर गया कि मैं गया विलेज ढूंढने, अपना देखना, वहाँ जाने में वापस और भी प्रॉब्लम होगी भाई। कहाँ पे गए हम लोग भाई? अभी लोग हम कुछ भी नहीं पहुँचे हैं, बहुत दूर है ये ट्रेजर। क्या करें, जाना तो पड़ेगा क्योंकि ये मैप में मैंने मतलब सोचा है मैं जाऊँगा, मतलब जाऊँगा नीचे। चलो एक तो भाई ये ऊपर खाबड़ ज़मीन दिमाग ख़राब कर रही है। हाँ अब ज़्यादा दूर नहीं लग रहा है, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। सही डायरेक्शन में बढ़ते रहो, रात होने वाली है, मॉब्स भी आ जाएंगे। टेम्प्ररी ठिकाना ढूंढना पड़ेगा अपने लिए और अपने हॉर्स के लिए भाई। इधर तो लावा है, लीश करना पड़ेगा इसे। अरे रुक, तू मेरा डायमंड आर्मर लेके जा रहा है, ऐसे ही नहीं जाने दूंगा तुझे। ज़रा डायमंड आर्मर लेके भाग जाएगा, तुझे ऐसा लगता है? मैं तुझे भागने दूंगा, जब तक अपन के पास घोड़े हैं तब तक कुछ तो नहीं होना चाहिए। इधर आ भाई, तुझे मैं राइड करूँगा ना। अंडीश नहीं, राइड जब तक। ओ भाई फिर गिर गया पानी में। अंडीश अंडीश, मॉब्स आएंगे ही मुझे पता है। राइड हो जाओ। राइड होने के बाद तो फिर अपन लोग चलते हैं इधर को, कहीं नहीं जा सकते भाई, मॉब्स आएंगे तगड़े वाले। ट्रेजर मैप के अनुसार हम लोग ज़्यादा दूर नहीं है, वो वुडलैंड मैंशन। आई थिंक अपन लोग नदी के सहारे अगर चलते रहेंगे, ये वाली नदी के सहारे, तो अपन लोग पहुंच जाएंगे। बस ध्यान रखना है उल्टी डायरेक्शन में ना जाए। किस डायरेक्शन में आ रहे हैं? सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब नदी के उस पार से ऐसे फॉलो करना चाहिए। हाँ नदी के उस पार से ऐसे फॉलो करना चाहिए। उस पार जाने का मतलब मौत है क्योंकि नीचे क्रीपर है भाई। अब थोड़ी मतलब दिमाग ख़राब हो रही है, तो अब अपन लोग थोड़ा टाइम कर देते हैं डे सेट, क्योंकि भाई अपन लोग को अभी मॉब से कोई मॉब प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम है। अपन लोग को जाना है इधर। अरे भाई कूदना, कूद, दिमाग खराब। ओ भाई भाई गया मैं तो। ये घोड़े के घोड़े से बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, काश गधा होता। फटियो मत तू, घोड़े के पास फटा। मेरा घोड़ा मारा क्या? नहीं मारा, थैंक गॉड बच गया। लीश, इसे लीश करते हैं। चलता हूँ उस पार। अरे घोड़ा आजा
अच्छा बेबी आजा, ये पानी पे चल रहा है क्या? समवट चलो इधर से मैं, अपन लोग आ जाते हैं, अपना घोड़ा भी आ गया है, थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं ताकि अपना घोड़ा भी आ जाए। आ रहा, तो चलो ऐसे ही घोड़े को लेकर ही ऊपर चढ़ते हैं। आ गया घोड़ा अपना अनलीश। ये तो मेरे से पहले ही आगे ऊपर चला गया, इसकी इतनी मत, तेरे को तो घर जाके बताऊंगा। बेड़ू इधर आ तू। अनलीश भाई, मारना नहीं था इसे, अनलीश राइड करनी थी इसे, राइड। तो फिर अपना ट्रेजर मैप के अनुसार अपन लोग सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, इसी डायरेक्शन में बढ़ते चलो, अपन लोग की मंजिल आ जाएगी। देखो भाई एकदम काउबॉय लग रहा हूँ, एक हाथ में रस्सी लेकर। किस डायरेक्शन में? वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जाना था अपन लोग को, उल्टा ही अपन लोग चलेगा। क्या बात कर रहे हो, एक सेकंड, इधर। अच्छा ये सब समुद्र है और इस समुद्र के किनारे खजाना है, तो इसका मतलब है हमें घोड़ा लेकर नहीं आना चाहिए था, समुद्र है तो क्या करें भाई। एक काम करते हैं, इससे अपना डायमंड आर्मर और ये वापस लेके इसे छोड़ देते हैं। जा भाई जी ले अपन जिंदगी, जा जी ले। अपन लोग को एक बोट बनानी पड़ेगी, वुड मैं लाया नहीं हूँ आई थिंक, हाँ वुड नहीं लाया हूँ, तो अपन लोग को ये तोड़ना पड़ेगा। भाई मुझे मैप समझने में, मेरी वैसे ही ज्योग्राफी कमज़ोर है, ये मैप तो और दिमाग ख़राब कर रहा है। वुड वुड तो बहुत सारी चाहिए होगी, एक क्राफ्टिंग टेबल भी चाहिए होगी बोट के लिए। वापस घर जाने में तो और दिमाग ख़राब होगा, कोई दिक्कत नहीं मैं टेलीपोर्ट हो जाऊँगा। या हो गया अपन का वुड काम, तो अब एक क्राफ्ट वुडन प्लैंक्स बनाने होंगे इससे। अरे भाई फेंकना नहीं था, रुको। हाँ चार 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 12, तो फिर बोट बनानी है, नहीं तो इसे एक क्राफ्टिंग टेबल बनानी थी। क्राफ्टिंग टेबल ऐसे कुछ बनती है, हाँ रेसिपी याद है। अब ये इधर लग जाएगी और ये लग जाएगी बोट भाई, एक और दो, हाँ बोट भी बन गई। एक शवल, एक बोट काफ़ी है, शवल भी चाहिए होगी। टूट टूट, तेरी बहुत मदद आई, सच बता रहा हूँ। एक बार मैंने फिर पुराने मैप में ढूंढा था और मुझे खजाना नहीं मिला था, इस बार सच में मुझे खजाना नहीं। भाई इधर तो अपन लोग आ चुके हैं, इधर ही कहीं पर शिप रेक था भाई साहब, पता ही नहीं था इधर खजाना भी है, वरना मैं खजाना लेके नहीं जाता क्या? क्या करना था, ट्रेजर मैप देखना था ना अपन लोग को, तो इस तरह से जाना है। आगे बढ़ते हैं अपना, आगे आगे बढ़ने, मुंह इधर है, हाँ चलो चलते हैं अपन लोग समुद्र की तरफ। उम्मीद करते हैं सही डायरेक्शन जा रहे हैं, भाई गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं अपन लोग को, इस डायरेक्शन में जाना है, हाँ इस डायरेक्शन में जाना है थोड़ा सा इधर, हाँ इस डायरेक्शन में जाना है। लगे रहो इंडिया भाई। तो फिर आप लोगों को बताना ये सीरीज़ कैसी लगी, कमेंट्स ऑन है, हेल्थ भी कम है, गाजर खानी पड़ेगी, थोड़े गाजर खा लेते हैं भाई। प्रॉब्लम होगी वापस आने में, क्योंकि वापस आने में दिमाग ख़राब होना तय है, बहुत लंबा समुद्र है, कैसे जाएंगे हम, घूमो। मैं तो सोच रहा हूँ गिव अप कर दूँ, लेकिन अपन लोग राजा हैं, अपन लोग गिव अप नहीं करते। डॉल्फिन्स है भाई, कॉर्ड नहीं है मेरे पास, वरना मैं इसे कॉर्ड खिलाता है, नहीं अपन के पास कॉर्ड, क्या करें, मछली पकड़ने जाएं क्या? स्वॉर्ड है अपन के पास, स्वॉर्ड है ये भाई, अपन लोग को शिपरेक तक ले जा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे डॉल्फिन्स को मारने का मन कर रहा है, क्योंकि आई हेट डॉल्फिन्स, इनसे मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी है भाई लोग। हाँ सिंपल, इस साइड जाना है, बढ़ते रहो। देखो भाई इतनी जल्दी मैं कैसे, कितनी जल्दी मैं पहुंच जा रहा हूँ,
ऐसे पहुंचने में ना, मतलब घोड़े से तो और टाइम लगता ही, साथ साथ इसमें तो और टाइम लगता अगर तैर के जाता तो। बोट से ठीक है, तुरंत तुरंत मैं पहुंच जा रहा हूँ। आई थिंक वो सामने वाली आइलैंड पे कहीं पर खजाना होगा, मुझे पता है वो सामने वाली आइलैंड पर कहीं पर खजाना होगा। एक बार रुक के मैप देख लेते हैं। अपन लोग पहुंच ही गए हैं तो ये है सही डायरेक्शन। तो बोट के अनुसार अपन लोगों को इस वाले आइलैंड पर जाना है, यानी वो वाला आइलैंड, समझ गए। चलो आगे। चलते रहो। अब इसे लीव लीव बोट कर लेते हैं। भाई आगे किधर है? इधर है ना। हाँ मुझे आइलैंड से दूर नहीं, आइलैंड के पास जाना है। चल ली बोट। इसके अनुसार यहीं 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 कर, यहीं पर होती। शवल है अपने पास, वुडन शवल है, लानी चाहिए थी शवल्स, स्टोन वाली। भाई भाई मैं तो सीधा ज़मीन में गिर गया। रुक ऊपर चढ़ भाई, बस एक खोदा था सीधे पानी में। शुक्र मना पानी थी, एचपी नहीं गई। भाई अपना ट्रेजर किधर है? भाई ऐसे बहुत बार हुआ है कि मैं खोदते गया था, ट्रेजर नहीं मिली थी। इस बार हुआ तो मैं पागल हो जाऊंगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है भाई लोग। यानी एग्जैक्ट इसी ब्लॉक के आसपास कहीं पर है टीएनटी, होता तो टीएनटी फोड़ के देखता। इसी कहीं पर होगा आई थिंक सो। वैसे जहाँ तक मुझे याद है ज़्यादा नीचे नहीं होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली यहीं कहीं होगा, मिल जाएगा। भाई इतने खोद लिया, कुछ तो मिलो। और नीचे होता है क्या? तोड़ने में क्या लगा है अपन लोग को? एग्जैक्ट सही डायरेक्शन में देख रहे हैं, उधर ही कहीं पर। अपनी शवल भी ख़त्म होने वाली है, और शवल बनानी पड़ेगी। अच्छा ये तो स्टोन्स वगैरह हैं, पिक एक्सेस काम आएंगे इधर तो। ये शवल्स हैं भाई। किधर है अपना खजाना? इतनी मेहनत की है उसके लिए। भाई ये किसने मारा, सच बताइए? अच्छा वो था, डैमेज दिया, क्या करें। वो भाई फिर गिर गया। ये क्या है, क्या ये दिमाग खराब? मुझे ट्रेजर चाहिए था, मैंने ट्रेजर के लिए इतनी लंबी इतनी मेहनत की है, अगर मुझे नहीं मिला तो मैं तो पागल ही हो जाऊंगा। रुको भाई, पिकेक्स स्वॉर्ड से उसे तोड़ने दो, शवल बनाने दो थोड़ी। भाई मॉस भी आएंगे इधर तो, अब क्या करें। ट्रेजर भाई, ट्रेजर मैप तो यही है, यहीं कहीं पे था तो यहाँ तक पता है। आई थिंक नीचे यहीं कहीं पे है, मुझे पता है, ज़्यादा खोदना नहीं पड़ता है, जल्दी ही मिल जाता है। चार ब्लॉक नीचे ही मिल गया था टेक्नो गेमर्स को, तो अपन को तो नहीं मिला। कोऑर्डिनेट्स याद कर लेते हैं, 898-63-314। अभी तक नहीं मिला है ट्रेजर, खोदना पड़ेगा थोड़ा तभी मिलता है इसको, तो ट्रेजर मैप से तोड़ देंगे। ओ भाई ये क्या हो रहा है भाई, अब कितना नीचे है वो? क्या नहीं, कुछ नहीं, टेम्प्ररी ठिकाना भी बनाना पड़ेगा इधर, क्योंकि मॉब्स आने वाले हैं क्या? आ चुके हैं, सैंड से रोकते हैं। रुको
गेट ही ठीक है, जैसा जो है ठीक है, रहने दो। ट्रेजर नहीं मिली तो मैं क्या करूँगा, मतलब बहुत गुस्सा आएगा। एंड आई एम नॉट डूइंग, सच में मुझे बहुत गुस्सा आएगा। मैं उसी पे खड़ा हूँ, इतने नीचे है, देखे जरा। मैं भी यार, मैं तो सैंडस्टोन आ गया यार, फिर भी नहीं मिले मुझे मेरे ट्रेजर। मेरा मन सच में टीएनटी से ब्लास्ट करने का कर रहा है आज। अब मिल जानी चाहिए आई थिंक, इतनी मेहनत की है, कुछ तो मिलेगा। माइनक्राफ्ट वाले इतने कंजूस तो नहीं है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ ना दें, कुछ तो देंगे ही। मिल जाएगा ट्रेजर, मिल जाएगा हर्ष, मिल जाएगा। हाँ मिल गया फाइनली भाई लोग, चेस्ट भाई खुले से, खोलो इसे। तो फाइनली भाई लोग अपन को ये क्या है, हर्ट ऑफ द सी म्यूजिक डिस्क भाई, ये क्या है, चेन चेस्ट प्लेट। भाई साहब क्या क्या तगड़ी वाली चीज़ें मिली है, जगह ही नहीं है। वुड गिराओ यार, नहीं चाहिए वुड, क्राफ्टिंग टेबल भी नहीं चाहिए, गोल्ड है काफ़ी है। ये है, ये है, इतने सारे स्टैंड्स का क्या करेंगे, म्यूजिक डिस्क रहने दो। ट्रेजर मैप तो हो ही गया। ये क्या है, प्रिंसेस क्रिस्टल्स, ये चाहिए होंगे, ये बोन चाहिए होगा भाई। पोशन ऑफ वाटर ब्रीदिंग सॉलिड है, रॉटन फ्लेश नहीं चाहिए, आयरन तो चाहिए ही होगा, आयरन की थोड़ी तंगी हो जाती है अपन के पास। आइट, हाँ ट्रेजर मैप नहीं चाहिए। ये क्या है, पोशन ऑफ रीजनरेशन, ये अपन को मांगता है, इसके बदले में गिरा दो क्राफ्टिंग टेबल। और कुछ नहीं है काम का, सब मिल ले लिया मैंने। फाइनली तो अपन लोगों को मिल गई है, तो अपन लोग अब वापस, तो मतलब हम लोग उड़ के जाए, वैसे तो जाने से रहे कि मतलब क्या बोलें कि मतलब अब वापस घोड़े बोट सब लेके जाओ, इससे बढ़िया तो मैं वो कर लूँगा टेलीपोर्ट टू एक्स कोऑर्डिनेट्स। भाई मेरी कासल की कोऑर्डिनेट्स क्या थी, मैं देख कर बताता हूँ, आप लोग रुकिए। तो फ्रेंड्स चलो चलो हम लोग चलते हैं, यू क्यों दाब दिया, एक सेकंड, फिर से मतलब टेलीपोर्ट पे क्लिक करते हैं। हाँ टेलीपोर्ट, तो अपना कोऑर्डिनेट्स थे क्या थे, -144, देन फिर माइनस नहीं थी 77 था अपना हाई एट, और फिर और 102 डाल देते हैं, 102-3 जो हो, और टेलीपोर्ट हो जाते हैं सीधे। भाई लोग अपन आ गए अपने कासल में खुश नसीबी के साथ। और ये लैग इतना क्यों कर रहा है भाई लोग। उसके बाद अपन लोगों को सब बहुत चीज़ें मिल गई, एमरल्स रख लेते हैं, साडल रख लेते हैं, वुड रख लेते हैं, ये रख लेते हैं, पोशंस वगैरह संभाल के रखेंगे। अपने पास एक ब्रूइंग स्टैंड भी था ना, वो भी लगा लेंगे कहीं पर, देखा जाएगा। सब कुछ रख लेते हैं भाई, डायमंड आर्मर रखो भाई, मरना नहीं है। तो नीचे वाले चेस्ट में हो गया था, तो अब जाते हैं नीचे में, रख देते हैं ये सारी चीज़ें। ये सब ठीक है, ये म्यूज़िक डिस्क कैसे बजेगी पता नहीं, ये ठीक है। पोशन ऑफ वाटर ब्रीदिंग ठीक है, सब कुछ ठीक है, लीश ठीक है। तो फ्रेम करने दो भाई अपन लोग को, थर्ड पर्सन फ्रेंड। तो भाई लोग अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, गुड बाय एवरी बाय, और जो भी होता हो पंजाबी वगैरह जो भी हो तुम, उसके हिसाब से बाय, टाटा, सी यू लेटर।